हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। आज का टॉपिक है सो। देखें, सो जो है ये कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है, और इसकी कॉमन हिंदी जो स्टूडेंट जानते हैं वो होती है इसलिए। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सो की हिंदी इतना भी होती है, ऐसा भी होती है, बहुत भी होती है और अच्छा भी होती है। तो वन बाय वन इनकी चर्चा सेंटेंस में हम करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखें, सबसे पहले सो की हिंदी इसलिए, और एग्जांपल देखें आप। ही इज इल सो ही इज एब्सेंट, हिंदी क्या होगी? वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है, यानी गैर हाजिर है। स्कैन कर लें, ही इज वह है क्या है? इल बीमार, सो इसलिए, ही इज वह है क्या है? एब्सेंट अनुपस्थित या गैर हाजिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, सो इसलिए, वी आर लर्निंग इट, हम लोग इसे सीख रहे हैं। पूरी हिंदी देख लें, अंग्रेजी महत्वपूर्ण है इसलिए हम लोग इसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अनएजुकेटेड सो ही इज अनएम्प्लॉयड, हिंदी क्या होगी? वह अशिक्षित है इसलिए वह बेरोजगार है। अब देखें, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, जाहिल, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, सो की हिंदी इतना, इतनी या इतने भी होती है, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश इज सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी वांट्स टू लर्न इट, इसको थोड़ा स्कैन करके समझ लेते हैं। देखें, इंग्लिश इज, अंग्रेजी है, सो इम्पॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण, दैट कि एवरीबडी हर कोई वांट्स चाहता है, क्या चाहता है? टू लर्न इट, इसे सीखना है। अब देखें, इसे पूरी हिंदी क्या होगी? अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे सीखना चाहता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पीक्स सो पोलाइटली दैट एवरीबडी गेट्स प्लीज्ड, हिंदी क्या होगी? वह इतने अदब से या वह इतने विनम्रता से बोलता है कि हर कोई खुश हो जाता है। इसको थोड़ा स्कैन कर लें। देखें, ही स्पीक्स, वह बोलता है, सो पोलाइटली, इतने अदब से या इतने विनम्रता से, दैट कि एवरीबडी हर कोई गेट्स प्लीज्ड, खुश हो जाता है। गेट मीन्स होना हो रहा है, प्लीज्ड मीन्स खुश, तो गेट्स प्लीज्ड मतलब खुश हो जाता है। जैसे बोलेंगे आई एम गेटिंग प्लीज्ड, मैं खुश हो रहा हूँ। ही इज गेटिंग प्लीज्ड, वह खुश हो रहा है। इस तरीके से हम गेट प्लीज्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अलग से। नेक्स्ट देखें, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता हूँ, वाई, क्यों, ही इज सो एंग्री, वह इतना क्रोधित है, इतना गुस्से में है। अब पूरी हिंदी देख लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वह इतना क्रोधित क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है। अब देखें, सो मीन्स यहाँ पे इतना हो रहा है, तो सो एंग्री मीन्स इतना क्रोधित, इतने गुस्से में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी, अभी हमने बताया सो की हिंदी ऐसा, ऐसी या ऐसे भी हो सकती है। एग्जांपल देखें, आई डिडंट से सो, हिंदी क्या होगी? मैंने ऐसा नहीं कहा, यह पास्ट एंड डेफिनेट है। जैसे आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, सो ऐसा। नेक्स्ट देखें, द मैटर इज नॉट सो, हिंदी क्या होगी? ऐसी बात नहीं है या बात ऐसी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड हिम टू डू सो, हिंदी क्या होगी? मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा। थोड़ा स्कैन करते हैं। देखिए, आई टोल्ड, मैंने कहा, किसे? हिम, उसे, टू डू, करने के लिए, सो ऐसा। नेक्स्ट देखें, डू यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं? नेक्स्ट देखें, अगर बोलना हो, निगेटिव आंसर देना हो तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, यस आई थिंक सो, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। अब देखें, सो की हिंदी अच्छा भी होती है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी कभी हम सो का इस्तेमाल करते हैं और उसकी हिंदी जो होगी सूटेबल, वो अच्छा के सेंस में हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर ऐसा बोलना हो, सो यू आर नॉट गोइंग, क्या होगा? अच्छा, आप नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम सो का इस्तेमाल करते हैं, और तब उसकी सूटेबल हिंदी क्या होगी? अच्छा। नेक्स्ट देखें, सो की हिंदी बहुत भी होती है, जिसकी दूसरी इंग्लिश होती है वेरी। अब देखें, यहाँ पे सो का सेंस क्या होगा? वेरी का, यानी बहुत का। एग्जाम्पल देखें, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी, बहुत खुश। आई एम, मैं हूँ, सो हैप्पी, बहुत खुश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही इज सो हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, हिंदी क्या होगी? वह बहुत भूखा है। अब देखें, प्रेजेंट टेंस इज इंडिकेट कर रहा है,
अगर पास्ट में बोलना हो तो इस इज़ की जगह पे हम वाज बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो हंगरी, वह बहुत भूखा था। नेक्स्ट देखें, दे आर सो इंटेलिजेंट, वे लोग बहुत तेज हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे सो की हिंदी क्या हो रही है, बहुत, जिसकी दूसरी इंग्लिश वेरी भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सो हैप्पी टू कम हियर, हिंदी क्या होगी, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। इसको भी स्कैन कर लेते हैं, देखिए आई एम मैं हूँ, सो हैप्पी बहुत खुश, टू कम हियर यहाँ आकर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कभी कभी इंग्लिश में सो के साथ एस का इस्तेमाल होता है, तब इस सो की हिंदी होगी इतना और एस की हिंदी होगी जितना। एग्जाम्पल देखें, इंग्लिश इज नॉट सो हार्ड एज यू थिंक, हिंदी क्या होगी, अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब इसको भी थोड़ा स्कैन कर लेते हैं, देखिए इंग्लिश इज, अंग्रेजी है, नॉट सो हार्ड, इतनी कठिन नहीं, एज जितना, यू थिंक तुम सोचते हो या आप सोचते हैं। नेक्स्ट देखें, दिस मोबाइल इज नॉट सो कॉस्टली एज यू गेस, हिंदी क्या होगी, यह मोबाइल इतना महंगा नहीं है जितना आप अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दे आर नॉट सो पुअर एज यू थिंक, हिंदी क्या होगी, वे लोग इतने गरीब नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। इसको भी अगर स्कैन कर लें, दे आर वे लोग हैं, नॉट सो पुअर इतने गरीब नहीं, एज यू थिंक जितना आप सोचते हैं, जितना तुम सोचते हो। देखें कभी कभी सो एज की हिंदी, देखें सो मतलब ऐसा और एज मीन्स जैसा भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज नॉट सो एज यू थिंक, हिंदी क्या होगी, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इसको भी स्कैन कर लेते हैं, देखिए ही इज वह है, नॉट सो ऐसा नहीं, एज यू थिंक जैसा तुम सोचते हो या जैसा आप सोचते हैं। नेक्स्ट देखें, द मैटर इज नॉट सो एज यू आर टेलिंग, हिंदी क्या होगी, ऐसी बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं या जैसा तुम कह रहे हो। इसको भी स्कैन कर लेते हैं, द मैटर इज बात है, नॉट सो ऐसी नहीं, यानी बात ऐसी नहीं है, एज यू आर टेलिंग जैसा आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है सो को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।